गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कौन सी पढ़ाई? साइंस की पढ़ाई। कौन सा क्लास का? 10th क्लास का। कौन सा सब्जेक्ट? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग बायोलॉजी में, जिसको इंटरेस्ट है वो बहुत इंटरेस्ट लेकर उसे पढ़ना चाहिए, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह पढ़ना चाहिए। और जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, घर में जितने भी बच्चे हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सबको बोलिए कि आकर के ये चैनल देखो। इसमें आपको बायोलॉजी को बहुत शॉर्ट में और बहुत आसानी में, आपको जो कि देखने में लगेगा कि बहुत कम्प्लेक्स है, उसको बहुत ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको लास्ट इसमें क्लास में क्या पढ़ाया था? रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। रिप्रोडक्शन के पार्ट्स पढ़ाए थे, जो कि ह्यूमन बींग्स में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो आप सबको मालूम है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक टेस्टिस होता है, जो कि ओवल होता है। ओवल यानी अंडे का शेप का होता है। और ये बाई बर्थ जो है पहले बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे यंग होता है, ये जन्म के बाद ये शरीर के बाहर आ जाता है। ये एक थैले के रूप में रहता है, जिसे हम लोग स्कॉटल सैक बोलते हैं। सैक मीन्स एक थैला, और स्कॉटल सैक, उसके अंदर ये टेस्टिस रहता है। ये एक मैं रीकैप बता रही हूँ, कल जो पढ़ाया था ना उसका आप एक छोटा मोटा रिवीजन कर लीजिए। और ये क्यों बाहर रहता है? क्योंकि ये टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कुछ कम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसको इसको ग्रोथ के लिए इसको इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, है ना। तो जब हम लोग भी कोई भी टेस्टिस का हम लोग वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, यानी जब हम लोग टेस्टिस को, ऐसे तो ऊपर से कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन जब हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं तो उसका सेक्शन, उसको कटिंग करना पड़ता है, सेक्शन कटिंग। तो उसका जब हम लोग डार्सल, उसका ऐसे करके वेंट्रल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल जब हम लोग काटते हैं तो हमें क्या नजर आएगा कि अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, जैसे कि चैम्बर बना हुआ है एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से चैम्बर्स हैं। और चैम्बर्स के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, जिस ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? याद कीजिए, सबसे पहला जो है टेस्टिस के अंदर ओवल, ओवल होता है, बेयर में होता है, और ये पर्पल कलर का होता है, थोड़ा रेडिश होता है, पर्पल रेडिश टाइप का। और ये इसके अंदर क्या होता है, ऐसे करके ये ओव्यूल जैसा है, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के बने होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं या चैम्बर्स होते हैं, इस तरह का आप लोग कर लीजिए। और जिसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, क्या होते हैं ये, इस तरह के बहुत सारे इस चैम्बर्स में ट्यूब्स होते हैं, जिस ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और क्या होता है, और यहाँ पर एक छोटा छोटा इस ट्यूब्यूल्स के पास ही एक बहुत तरह के सेल्स होते हैं, छोटे छोटे डार्क कलर के आपको सेल्स मिलेंगे इनके बाउंड्रीज पे, जिसे हम लोग बोलते हैं लीडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिक सेल्स बोलते हैं। ये लीडिक सेल्स जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और यहाँ जो है इसी प्रोसेस से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो है वो आपको स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जब ये हार्मोन सिक्रेशन हो जाता है प्यूबर्टी एज के बाद से, जब ये हार्मोन सिक्रेशन करता है, कौन करता है? लीडिक सेल्स। तो ये टेस्टोस्टेरोन से जब हार्मोन सिक्रेशन निकलता है तो स्पर्म बनता है, लेकिन ये स्पर्म्स उतने डेवलप नहीं होते हैं। तो ये स्पर्म्स क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर से एक ट्यूब स्टार्ट होता है, और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक ट्यूब बाहर निकलता है, जिस ट्यूब को, जो ट्यूब जो है वो आकर के आपका बाहर निकल जाता है, यानी इस टेस्टिस की दीवार को फाड़ते हुए यहाँ पर ये बाहर निकल आता है। और एक साथ कम से कम यहाँ पर जो कितना होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये 12 to 15 हुआ, ये 12 to 20 के अंदर रख लीजिए, 12 to 15 तक ही होता है। और ये फिर सारे ट्यूब्यूल्स जो है ये आप बाहर बाहर निकल जाते हैं एक पॉइंट पे। तो ये अगर 12 से 20 है तो इतने ही, एक एक ट्यूब्यूल से उतने ही निकलेंगे। और जब ये इतने सारे निकल जाते हैं यहाँ पर ट्यूब्यूल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं वासा इफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंशिया। यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं ठीक इसी टेस्टिस के, ये आपका क्या हुआ, टेस्टिस हुआ, ठीक इसी टेस्टिस के पीछे एक मस्कुलर लॉन्ग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, थोड़ा सा क्वाइल भी रहता है ये, इस तरह का, है ना,
इस तरह का क्वाइल जो रहता है इसे हम लोग बोलते हैं एपिपीडाइमस, एपिपीडाइमस है ना, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो वासा एफरेंशिया जो आपका टेस्टी से निकलता है, इसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर अनडेवलप्ड थोड़ा सा उतना मैच्योर नहीं होता है जो स्पर्म्स निकलता है, ये सारे स्पर्म्स को ये एपिडेडाइमस में डाल दिया जाता है। एपिपीडाइमस में एक होल होता है और सब इसमें चला आता है। अब इसमें चले आने के बाद से क्या होता है देख लीजिए, गौर से देखिए, ये एपिडेडाइमस जो है मस्कुलर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये ठीक टेस्टिस के बिहाइंड, नॉट बिलो बट बिहाइंड, और टेस्टिस होता है बिलो द एब्डोमिनल, है ना, जिसको हम लोग पेड़ू बोलते हैं साइड में। तो ये एपिडेडाइमस का मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया है, इसका तीन पार्ट होता है, हेड होता है और बीच में हेड होता है, ये बॉडी होती है और नीचे यहाँ पर टेल होता है। तो यहाँ पर स्पर्म सब आ गया, स्पर्म्स एपिडिडाइमस आ गया, जो मस्कुलर ट्यूबुलर एक पैसेज होता है, इसमें आके ये तो उसको मैचुरेशन मिलता है, ये मैच्योर होता है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है, इसका डेवलपमेंट होता है ना, स्पर्म इसमें और आकर के इसको न्यूट्रिशन मिलता है, मैचुरेशन मिलता है, इसको और पौष्टिक आहार मिलेगा, तो यहाँ पर आके डेवलप हो जाएगा। जब स्पर्म सब डेवलप हो जाएगा तो इसी यहाँ पर जो टेल पोर्शन है, ये टेल पोर्शन से यहाँ पर थोड़ा क्वाइलिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, क्वाइल टाइप का, इसे हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो टेस्टिस से स्पर्म डालता है एपिडिडाइमस वो वासा डिफरेंशिया, और जो टेल से जाता है आगे इसे हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। इतना तो आप समझ गए, इतना ही मैंने कल आपको पढ़ाया था। अब आगे की कहानी देखिए क्या होता है, आगे की कहानी मैंने आपको ऐसे भी बता दिया था कि उरुथ्रा के पास जाता है, फिर यूजिकुलेटरी डक्ट होता है, ये सब मैंने शॉर्ट में बता दिया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर बहुत सारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं, है ना। तो अब बताइए क्या, अब हम आगे पढ़ेंगे आज के क्लास में कि जब ये वासा डिफरेंशिया जो है, ये वासा डिफरेंशिया यहाँ से जो ये टेस्टिस निकला, यहाँ पर ये एपिडिडाइमस हुआ, ये वासा डिफरेंशिया हुआ, ये वासा डिफरेंशिया आगे जा करके एजुकुलेटरी डक्ट बनता है, किसमें बन जाता है, चेंज हो जाता है, इजैक्यूलेटरी, इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और ये ऊपर जाता है। आपको मालूम है कि यहाँ पर आपका उधर से किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ रहा है, जिसमें किडनी से यूरेटर निकलता है और वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहाँ जाकर के यूरिन इकट्ठा हो जाता है, जब उसका भर जाता है तो वो टाइम टू टाइम बाहर पास होता रहता है यूरिन। तो ये ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा, ये वासा डिफरेंशिया जो है ये आगे बढ़ करके एक ट्यूब बनाता है जिसे हम लोग एजुकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। डक्ट क्या होता है, एक पाइप के जैसे होता है जिसके अंदर से कुछ भी चीज़ चला जाए, है ना। तो ये ऊपर जाता है, ऊपर में क्या होता है, यहाँ पर ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये उसके ऊपर से क्रॉस करता है और यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जिसमें कि आपका यूरिन स्टोर रहता है, इट स्टोर्स यूरिन, यहाँ पर आता है, ठीक यहाँ पर ही अब एक ग्लैंड होता है। अब उसका नाम हम बता देते हैं, आप लोगों ने अगर टेस्टिस पढ़ा होगा तो आप देखिएगा, ये एक ऐसा ग्लैंड है, यहाँ पर एक ऐसे करके इस तरह का पत्ता के लीफ टाइप का एक रेड कलर का एक जो है ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, क्या बोलते हैं, सेमिनल है ना, वेसिकल है ना, ये बोलते हैं। ये रेड कलर का होता है, ये आपको कुछ ग्लैंड सिक्रेशन करता है जिससे कि आपका जो ये स्पर्म आ रहा है उसको थोड़ा सा लचीलापन देने के लिए, उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे बढ़ करके जल्दी जल्दी आओ, आगे बढ़ो और जा करके ओवा को पेंट्रेट करके फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाओ। तो बेचारे सब इतना थक जाते हैं धीरे धीरे, ये स्पर्म सब आते हैं एजुकुलेटरी डक्ट से और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये जो एक फ्लूड निकालता है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सेमिनल फ्लूड बोलते हैं, जो कि मिल्की दूध टाइप का होता है, ये एक सिक्रेशन होता है और इस एजुकुलेटरी डक्ट में मिल जाता है। इतना तो आप लोग समझ गए। अच्छा, ठीक क्या होता है, ठीक इसी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक और ग्लैंड रहता है, यानी पहले मैंने बता दिया सेमिनल वेसिकल होता है, ये एक ग्लैंड होता है, ये भी सिक्रेशन करता है, फ्लूड देता है,
ताकि इसको मैच्योर, इसको जो अभी स्पर्म आ रहा है यहाँ से इतना अपने अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, हो गया है लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है, तो उसको थोड़ा पुशअप करने के लिए, कि वो तो बहुत छोटा सा सेल तो उसको इतना एनर्जी नहीं रहता, तो ये उसको एनर्जी देता है, ये पानी की तरह जो निकलता है तो उसमें फ्लो करके, उसमें बह करके, स्विम करके ये आगे बढ़े ना, तो यहाँ पर ये निकलता है, एनर्जी देता है। ठीक यहां पर यूनरी ब्लैडर के नीचे एक बाइलॉग्ड एक और ग्लैंड होता है। अब इसका नाम बताओ भाई, कोई बता सकता है? बाइलॉग्ड एक और ग्लैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि ग्लैंड्स कौन कौन से हुए? एक हुआ आपका सेमिनल वेसिकल और एक हुआ आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी वही काम करता है जो के आपका सेमिनल वेसल देता है, ये सब उसको पुशअप करते हैं, जो स्पर्म आ रहा है उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। देखो अब यहाँ पर हम लोगों ने और लिक्विड दे दिया है, मिल्की लिक्विड के जैसे में बहते हुए, जल्दी से जाओ क्योंकि इनका स्लो में स्लो स्लो बेचारे चल रहे होते। तो यहाँ पर ये दोनों ग्लैंड मिल करके इसको सिक्रेशन से ये एजुकुलेटरी डक्ट अब आगे बढ़ता है, और इसमें ये दोनों ग्लैंड निकलते हैं, कौन कौन से? एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक सेमिनल वेसल। ये दोनों इनको इनको इसको ल्यूब्रिकेट करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, ये जो भी धीरे धीरे स्पर्म चल रहा है उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, है ना। आगे बढ़ के कहाँ जाना है? जो फीमेल बॉडी है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जा करके उसको आगे बढ़ना है, और फीमेल बॉडी के अंदर जा करके उसको पेंट्रेट करना है ओवा से, है ना। तो इसी को ये पुशअप करते हैं, ये सब इसको एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेमिनल वेसिकल और यूरिनरी ब्लैडर या प्रोस्टेट ग्लैंड जो लिक्विड निकालते हैं, वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? यहाँ पर एक लिक्विड एजुकुलेटरी डक्ट में आ जाता है जिसमें बहुत सारे स्पर्म तैरते रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमन। ये एक मिल्की फ्लूड ही होता है, फ्लूड टाइप का होता है, और ये मेल बॉडी पार्ट से एजुकुलेट होता है, ये निकलता है पॉपुलेशन के टाइम में, यही सीमेन निकलता है वाइट कलर का। तो सीमेन में क्या होता है? स्पर्म भी होता है, स्पर्म और सीमेन, वो उसको उसी नदी में बहते हुए सीमेन में ये आगे बढ़ते हैं। तो दो ग्लैंड तो आप समझ गए, कौन कौन सा समझ गए? एक ये वासा डिफरेंशिया और एजुकुलेटरी डक्ट हुआ, और एक इधर से आपको सेमिनल वेसिकल मिला, वो भी एजुकुलेटरी डक्ट में, वो सीमन दिया, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड है वो और भी सिक्रेशन किया। सारे सिक्रेशन मिल करके जो दूधिया कलर का होता है, वाइट क्रीमिश कलर का होता है, वो इस स्पर्म को और पुशअप करते हैं और एनर्जी देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी जाओ, और कॉपुलेशन के टाइम में ये स्पर्म जो है वो आके फीमेल बॉडी में इंटर जब करते हैं तो यही सब इनको पुश करते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो लिक्विड जो आपस में मिलता है, जो सेमिनल वेसिकल निकलता है, उसे हम लोग सीमन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड दैट मिल्की लिक्विड, वी कॉल्ड देम सीमेन, विच कहाँ से वो निकलता है? विच सीक्रेट्स फ्रॉम द मेल बॉडी, जो कि मेल बॉडी एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन जो वो निकलता है, वो उसे बोलते हैं वाइट फ्लूड, दैट इज नोन एज सीमेन। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, एक और ग्लैंड होता है जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस वो यहाँ पर नहीं रहता है, वो आपके जो यूरेथ्रा है जहाँ पर स्पर्म जाएगा वहाँ पे वो रहता है, ऑलरेडी वो पहले प्रेजेंट रहता है कि तुम लोग आओ भाई आओ स्पर्म, तो ये लास्ट में तो ये आपको यूरेथ्रा ही में जाएगा, है ना, यूरेथ्रा ही में जा करके ये सारा स्पर्म वगैरह जाएगा। तो यहाँ पर भी छोटा ओवाइड, छोटे छोटे गोल गोल बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कूपर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कूपर्स ग्लैंड। ये क्या करते हैं? ये यहाँ से स्पर्म आ रहा है, इसका वेट करते हैं, तो ये भी लुब्रिकेशन का काम करते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर जो है जितने भी स्पर्म हैं, जो भी जो स्लगिश हैं, जो धीरे चल रहे हैं, जो नॉन मोटाइल है, जो रुके हुए हैं, इन सबको जो ये कूपर ग्लैंड है ये एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक उसको उसको मतलब जब के फ्रिक्शन नहीं हो बॉडी में, मतलब कोई भी बॉडी में कुछ हार्म नहीं हो, एक तरह का प्रोटेक्शन का काम देता है कूपर ग्लैंड, और स्पर्म वगैरह को अच्छे से इजीली जो है वो फ्यूज करवाता है, किससे? फीमेल वॉस के, जल्दी से बॉडी में इंसर्ट करो और जा करके जो आपको बॉडी के अंदर जाएगा स्पर्म, वो फीमेल जो बॉडी है उसके ओवा से आप
फ्यूज करो। तो ये सारा काम जो है यहाँ पर एक जो कि ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट यूरिथ्रा में रहता है उसे हम लोग कहते हैं कूपर ग्लैंड। तो तीन ग्लैंड हेल्प करता है। सबसे पहला सेमिनल वेसिकल होता है जो कि ठीक यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जो ये आपका वासा डिफरेंशियल जुगुलेटरी डक्ट आता है उसी से कांटेक्ट होता है करके, वो अपना सारा सीमेन इसमें डाल देता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो भी मोटिवेट करने के लिए अपना सारा सीक्रेशन इसी में डाल देता है। दोनों में कौन क्या होता है, वो सीमेन बनता है, यानी सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन और प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये है सीमन एक तरह का। तो जो कि मिल्की फ्लूड होता है इसके सहारे सारे स्पर्म्स बेचारे आगे बढ़ते हैं बहते हुए, लेकिन जब कूपर ग्लैंड तक पहुंचते हैं तो वहां पर भी एक और ग्लैंड रहता है यूरेथ्रा में, जिसे हम लोग बोलते हैं कूपर ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा, और ये ऑल्सो लुब्रिकेट, वो भी वहां पर का थोड़ा स्लिमी बना देते हैं, तैयार करते हैं जगह को ताकि सारे स्पर्म्स आए और इजिली वे में पेंट्रेट करें जा करके, और कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, कोई भी बॉडी को नुकसान नहीं हो, वो लुब्रिकेट कर देते हैं ताकि इजिली अंदर पेंट्रेट करें और जा करके जो मूवमेंट है एक्टिविटी को वो ठीक से करे, ताकि किसी भी बॉडी को उतना फ्रिक्शन से कोई नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पर ये क्यूपर ग्लैंड प्रेजेंट रहता है आपका यूरिथ्रा में। तो कौन कौन सा ग्लैंड हुआ, ऊपर जो वासा डिफरेंशिया गया एजुकुलेटरी, यहाँ पर एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेशन के टाइम में एजुकुलेटरी डक्ट वो होता है जो कि सारा उसके अंदर जो भी लिक्विड रहा वो एजुकुलेशन के समय बाहर निकल जाए। ये एक तरह का पैसेज हुआ जो कि कॉमन पैसेज हुआ एजुकुलेटरी डक्ट में, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन छोड़ता है और सेमिनल वेसिकल भी अपना सिक्रेशन छोड़ता है। तो उसके बाद से आपका जब वो फ्यूज कर जाता है, यानी उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर किस तरह से डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो ये हो गया आपका मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले एक बार और हम बता देते हैं, बहुत इजी में समझिए, ध्यान से सुनिए, कहानी की तरह सुनिए। सबसे पहले जो टेस्टिस होता है वो मेल बॉडी पार्ट होता है जो कि नंबर 2 होता है और स्क्रोटल सैक में रहता है। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिसे हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। उसी चैम्बर्स के अंदर बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसे कि हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस वो डिवलप करता है स्पर्म, लेकिन वो उतना ज़्यादा वहाँ पर डिवलप नहीं होता है। धीरे धीरे ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बहुत सारे ट्यूब्स निकलते हैं जिसे कि हम लोग बोलते हैं वासा इफरेंशिया। ये वासा इफरेंशिया जब यहाँ पर ज्वाइंट होकर के जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं एपिडिडाइमस, जिसका 3 पार्ट होता है, हेड बॉडी और टेल। टेल से फिर जो दूसरा पोर्शन जो निकलता है जिसे कि हम लोग वासा डिफरेंशिया कहते हैं। वासा इफरेंशिया टेस्टिस से स्पर्म को एपिडिडाइमस में डालता है और एपिडिडाइमस से एजुकुलेटरी डक्ट, वासा डिफरेंशिया होते हुए ये एजुकुलेटरी डक्ट जो क्वाइल होता है ये आगे चला जाता है और ये ठीक आपका जो ऊपर जाकर के स्टोमक से ऊपर होते हुए यूरिनरी ब्लैडर जो हम लोगों ने पढ़ाया था आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वहाँ के ऊपर से आते हुए ये क्रॉस करता है और यहाँ पर ही आपका एक डक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, जो कि सीमेन का सिक्रेशन करता है एजुकुलेटरी डक्ट में। और ठीक यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि बाइलॉग्ड होता है, ये भी ग्लैंड का सिक्रेशन करता है। फिर ये एजुकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ते हुए यूरेथ्रा में मिलता है, ठीक है ना, ये यूरेथ्रा में मिलता है। तो यहाँ पर जो 2 ग्लैंड है जो कि सेमिनल वेसिकल से निकलते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हैं, ये वाइट कलर का मिल्की लिक्विड होता है जो कि मेल बॉडी से निकलता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, दैट इज नोन एज सीमन। ये थोड़ा गाढ़ा होता है और ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी सिक्रेशन करता है ये सब ग्लैंड। क्यों करता है, ताकि आपका जो ये स्पर्म आ रहा है धीरे धीरे डेवलप होकर के ये कहीं पर रुके नहीं, बल्कि इनको पुशअप करने के लिए, इनको एनर्जाइज्ड करने के लिए इनको न्यूट्रिशन देते हैं, इनको और मजबूत बनाते हैं, एसेसरी इनको हेल्प करते हैं ताकि ये जल्दी से आगे बढ़े और जा करके पेंट्रेट करें। कहाँ पेंट्रेट करें, फीमेल बॉडी के अंदर जाके वहाँ पे ओवा जो है उसको फ्यूज करें। तो फिर जब ये यहाँ तक तो बेचारे पहुँच जाते हैं थकते थकते कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम थक गए भैया, अब हमको फिर कोई धक्का देगा, तो फिर यहाँ पे जो है
ये ऊपर ग्लैंड जो होता है जो कि यूरिथ्रा में प्रेजेंट करता है वो फिर उसको पुश करता है, उसको क्या करता है कि आपस में ये बॉडी जो है वो फ्रिक्शन से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, इसीलिए वहाँ पर का पूरा फिसलने जैसा पूरा ये बना देता है लिक्विड टाइप का, लुब्रिकेटिंग, जैसे लुब्रिकेटिंग क्यों करते हैं, चिकना चिकनाहट टाइप का यहाँ पर हो जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी सीमेन जो है वो, सीमेन के अंदर क्या रहता है, स्पर्म भी रहता है, तो सीमेन प्लस स्पर्म जो है वो सबसे जाए और सीधे जाके फ्यूज कर दें, किसको फ्यूज कर दें, फीमेल ओवर को। तो ये जो जो भी ग्लैंड्स देते हैं वो उनको न्यूट्रिशंस देते हैं, वो उनको ताकत देते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस एलिमेंट्स रहते हैं जो कि इसको यहाँ पे ताकत भी देते हैं, ताकि आपका जो स्पर्म है वो आगे बढ़ता जाए, वो बीच में रुके नहीं। तो यही सब जो है ग्लैंड्स जो है वो यही हेल्प करते हैं, लुब्रिकेटिंग नेचर होते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं सीमन, जो कि आपके बॉडी से बाहर आता है मेल बॉडी पार्ट से, ठीक है ना। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो आपको समझ आना ही आना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, एकदम दिमाग में माइंड में अपने डायग्राम बिठा लीजिए। एक टेस्टिस होता है, वहाँ से ऊपर वासा डिफरेंशिया निकलता है, वासा डिफरेंशिया जो है वासा डिफरेंशिया में जाता है, वासा डिफरेंशिया जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जा करके वहाँ पर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड रहता है, एक नंबर वन ग्लैंड, फिर ठीक जस्ट उसके बगल में प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, बाइलॉब्ड होता है, वो दोनों ग्लैंड्स निकाल के, बेचारा इतना दूर से आता है तो थक उक जाता है, उसको और एनर्जी देते हैं, उसको न्यूट्रिशंस देते हैं, उसको आगे बढ़ाने वो मोटिवेट करते हैं, फिर धीरे धीरे जाता है, अब उसको पेंट्रेट करना है तो उस वहाँ पर उसको कूपर ग्लैंड रहता है, वो उसको और मोटिवेट करता है, ताकि कोई फ्रिक्शन नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, और आराम से वो जा करके पेंट्रेट कर ले, और बाद में वो फ्यूज करके जायगोट बनाए। तो बस आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यही है। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे कल हम आपको पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब फीमेल की कहानी स्टार्ट होती है, जब तो ये बेचारे आए तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करता है, कैसे ओवर रेडी रहता है, इनका वेट कर रही होती है कि अभी स्पर्म आएंगे तो फ्यूज होगा। तो आगे की कहानी यहाँ से हम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से दो बार में आपको समझ आ जाना है, आप इसको पढ़िए, आपको टाइम दे रहे हैं एक या दो दिन, उसके बाद हम फीमेल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।